हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस एकेडमी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द बच्चों का यहाँ पे जिन्होंने कॉम्पिटेटिव 2020 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का एडमिशन हो चुका होगा और बहुत सारे बच्चों का क्लास भी स्टार्ट हो गया होगा, और नहीं भी स्टार्ट हुआ हुआ तो अब फाइनली स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कॉलेज फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट डे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, शुभारंभ कैसे करना चाहिए कॉलेज का, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका एडमिशन खत्म हो गया, क्लास स्टार्ट हो रहा है, अब क्लास को आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है, क्लास को आगे लेके कैसे जाना है ताकि वो प्रोडक्टिव हो सके, ठीक है। तो हम बात करेंगे सब कुछ डिटेल में कि आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा, आपको लैपटॉप लैपटॉप के बारे में बताऊंगा कि लैपटॉप जरूरी है या नहीं है, मैं ये भी डाउट सुन रहा हूँ आपसे, ठीक है। बुक्स लेना जरूरी है या नहीं, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बुक्स का हम क्या करें, ठीक है, फिर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स का हम क्या करें, और भी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एडमिशन खत्म हो गया, अब क्या है कि आपको क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, मतलब सारे बच्चों का ही ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी, ठीक है, चल रहा है या चलेगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि स्टार्ट हो गया सबका। अब देखिए, क्लासेस जो है वो बहुत लंबे लग रही होगी आपको, आपने बहुत महीने से बीच में क्लासेस नहीं किए हैं, तो उसके कारण जो है आपको जो है थोड़ा क्लास लंबा लग रहा होगा, ठीक, लग रहा होगा बहुत ज्यादा हेक्टिक है, 8 बजे से 4 बजे तक, 9 बजे से 4 बजे तक, और बीच में सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक, 1 घंटे का और 15 मिनट का ब्रेक, 2 ब्रेक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कैसा ब्रेक मिल रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों का 8 से 4 या फिर 9 से 4 क्लास चल रहा है, ठीक है, जैसा मुझे सुनने को मिल रहा है, और ये चलता है नॉर्मली, ठीक है। तो अब ये मत सोचिए कि आपका ऐसा ज्यादा चल रहा है, ये चलता है, बहुत ज्यादा चलता है, रेगुलर चलता है, ठीक है, 5 से 6 दिन चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में 5 दिन चलते हैं और कुछ कुछ कॉलेज में 6 दिन भी चलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको मैनेज करना ही करना होगा। हेक्टिक इस कारण लग रहा है आपको क्योंकि आपने बहुत महीनों से क्लास नहीं किए हैं, आपने घर में ही बैठा रहा है आप, ठीक है, बैठे रहे हैं, चिल किए हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आपको लगेगा सेटल होने में, उसके बाद आप सेटल हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑनलाइन में थोड़ा और प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता होगा, लैपटॉप के सामने, फोन के सामने बैठना पड़ता होगा, ठीक है, तो उसके कारण थोड़ा और हेक्टिक लगता होगा आपको बैठे बैठे, ठीक है, एक जगह। अब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा ना तो उतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है, बीच में ब्रेक मिलेगा तो आप बाहर घूम लेंगे, कैफेटेरिया में चले जाएंगे, कैंटीन में चले जाएंगे, ठीक है, कुछ फ्रेश हो जाएंगे, 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, उसमें बाहर जाके हम कुछ खा वगैरह लेंगे, तो उसमें आपको उतना हेक्टिक नहीं लगेगा। बट ऑनलाइन में क्या है कि आपको बैठे रहिए, बट ये है इसमें कि घर में रहते हैं आप, पढ़ते टाइम भी थोड़ा इधर उधर हो जाता होगा, बट वहां पर नहीं होगा, इस बात का है थोड़ा। तो देखिए, सभी जगह पे कुछ मेरिट है और कुछ डिमेरिट है, कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स है, सभी जगह पे, ठीक है। तो मैं यही हेक्टिक लगने का यही कारण है कि आपने बहुत महीने से क्लास नहीं किया है, आपको उतना बैठने का आदत नहीं है लगातार, ठीक है, तो उसका थोड़ा हेक्टिक लग रहा होगा, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। क्लासेस ऐसे ही चलते हैं, लंबे क्लासेस चलते हैं, इंजीनियरिंग में तो इतने चलते हैं, मेडिकल का बात की जाएगा तो मेडिकल का दिन दिन भर क्लास चलता है, उसके बाद फिर उनका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो क्लासेस कॉलेजेस में जो है लंबे चलेंगी, आपको इस पे यूज टू होना होगा और आप हो जाएंगे धीरे धीरे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग है, ठीक है, आपको कभी इतना लंबा क्लास करने का आदत नहीं रहा है। 12th में ज्यादातर बच्चे नॉन अटेंडिंग ही करते हैं, नॉन स्कूलिंग ही करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्लास जो कोचिंग वगैरह भी चलते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह भी चलते हैं, तो उतने लंबे नहीं चलते, इतने लंबे नहीं चलते, ठीक है। तो और स्कूल भी अगर चलते हैं, अगर आपने स्कूलिंग भी किया है तो आपको इतने लंबे स्कूल नहीं चलते हैं, ठीक है, तो लंबे आवर तक स्कूल नहीं चलता है और इतना हेक्टिक नहीं होता है। बट कॉलेज में जो आपको ये फील होगा और कॉलेज में आपको सहना पड़ेगा, आपको सहना क्या क्या है, पढ़ना पड़ेगा इतना लंबा, ये क्लास चलेगी ही चलेंगे और आप यूज टू हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आप यूज टू हो जाएंगे, आपको आदत हो जाएगी इतने बैठने की, ठीक है। अभी थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होगा तो आप बस आदत बनाइए बैठने का, उसका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि आपको जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है तो आपको अब आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास आपको चल रहा होगा तो उसमें आप ध्यान दे रहे होंगे, अभी जो है बेसिक ही चल रहे होंगे, अभी इंट्रोडक्शन ही दिया रहा होगा मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, ठीक है। तो अभी जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर, बेसिकली जो है फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग कहते हैं फर्स्ट ईयर, वो सारा जो है आपको 11, 12 और पीछे के ही पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो मिलेगा वो 11, 12 के ही पढ़ने मिलेंगे बेसिक्स, ठीक है। और इसमें जो है आप ये सोच रहे होंगे, आपको ये देखने को मिला होगा सिविल का भी आपको पढ़ना पड़ता होगा, इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना पड़ता होगा, मैकेनिकल का भी पढ़ना पड़ता होगा, ठीक है, सबको पढ़ना पड़ता होगा, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं आप तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जो है कंप्यूटर साइंस का पढ़ना ही नहीं पड़ता होगा, ठीक, कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो है वो सारे बच्चे जो है सारे ब्रांच के बच्चे एक साथ बैठते हैं और सारे बेसिक पढ़ते हैं, सारे सारे को एक कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट है सबको जानना, ठीक है, ताकि इसका आपको एप्लीकेशन आगे जरूर जब पड़े तो उसको आप एप्लीकेबल कर पाए अपने जो भी वर्क है उसमें, ठीक है, क्योंकि देखिए सभी ब्रांचेज जो है एक दूसरे जुड़े हुए हैं और उसका जरूरत पड़ता है। अभी मत सोचिए कि आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो आपको सिविल क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको इलेक्ट्रिकल क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा, नहीं, आपको छोड़ना नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक है, देखिए क्योंकि सभी चीज का नॉलेज होना जरूरी है, आगे जरूरत पड़ता है आपको, और एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन आएंगे उससे, ठीक है, तो आपको मार्क्स कम हो सकता है, इसलिए आप क्लास जरूर कीजिएगा, भले ही आप साइड से होता है उसमें मेहनत करें या ना करें, बट क्लास जरूर कीजिएगा, नोट्स जरूर अच्छे से पढ़िएगा। अब बात आता है नोट्स का, ठीक है,
बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया नोट्स कहाँ से लाए, नोट्स कॉलेज वाले अभी नहीं दे रहे हैं, कब मिलेगा नोट्स, नोट्स हमें अपने बनाना है क्या, हमें खुद से बनाना है क्या, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में नोट्स आपको नहीं बनाने, मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको नोट्स नहीं ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि क्लास के बाद आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक लेक्चर खत्म हुआ, एक मॉड्यूल खत्म हुआ, एक चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। स्टार्टिंग में भले ही ना मिले बट उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा आप। नोट्स आपको मिल जाएगा कॉलेज से, या फिर अगर आप चाहते हैं कि उतना आपको वेट नहीं करना है तो आप कॉलेज के सीनियर भैया भैया लोग को फ्रेंड बनाइए, उनसे आप नोट्स ले लीजिए, ठीक है। उस कॉलेज के ही नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, या फिर आप वेट कीजिए। बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं, बट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेज में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि नोट्स के लिए आपको खुद टेंशन नहीं लेना है, नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आप चाहे उसका प्रिंट करवा लीजिए या फिर आप पीडीएफ को ही पढ़ लीजिए, ठीक है। पीडीएफ को ही पढ़ लीजिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा कितना आप प्रिंट करवाते रहेंगे, क्योंकि देखिए अब जो है आप इंजीनियरिंग में चले गए हैं, बीटेक करने चले गए हैं, कॉलेज में चले गए हैं, और सब कुछ जो है वो ज्यादातर चीजें जो है वो ऑनलाइन होगी। अब आपको हार्ड कॉपी का जो है बहुत कम जरूरत पड़ेगा, ये मतलब आदत बना लीजिए आप सब कुछ ऑनलाइन ही करने का, ठीक है। ये सब कुछ ऑनलाइन ही होगा अब, क्योंकि जो इंजीनियरिंग जो होते हैं कॉलेज में वो सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। अटेंडेंस से लेके एग्जाम से लेके, एग्जाम भी मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं, ठीक है। क्यूज वगैरह भी होता है, फिर असाइनमेंट ये सब भी होता है ऑनलाइन, ठीक है। आपको कभी कभी जो कंपटीशन वगैरह होंगे वो भी ऑनलाइन ही हो सकते हैं, ठीक है। और आपको नोट्स वगैरह भी ऑनलाइन, बुक्स भी ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बुक्स के बारे में। देखिए बुक्स के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया बुक्स इंपॉर्टेंट है क्या, बुक्स कौन से लें, बुक्स कहाँ से लें, ठीक है। देखिए बुक्स इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, या फिर डिपेंड करता है, बट अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे नॉलेजेबल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, बीटेक के बाद भी पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, बट आपको ठीक है, मान लीजिए पहला फोकस ये रहा हमारा कि बीटेक करना है और बीटेक के आगे भी पढ़ाई करना है और अच्छा नॉलेजेबल इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि बहुत सारा बुक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एक छोटा बुक होता नहीं है इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए, ठीक है। एक बुक जो है वो लगभग 1300-1400 पेजेस का होता है, मोटा बुक होता है। तो आपको ये नहीं कि बहुत सारे बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एक बुक फॉलो कीजिए बट अच्छे से कीजिए। अगर वो बुक फॉलो करना है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नोट्स को भी अच्छे से कर लेते हैं और असाइनमेंट वगैरह कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह अच्छे से कर लेते हैं तो इनफ है, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं बुक्स का भी नॉलेज मिलू, ठीक है, बुक्स को भी पढ़ू, ठीक है, तो आप बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। वो आपको कॉलेज के द्वारा बताएगा कि कौन सा बुक आप प्रेफर करें, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे और उनके सिलेबस पे डिपेंड करता है कि कौन सा रेफरेंस बुक आप फॉलो करेंगे, टेक्स्ट बुक आप कौन सा फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस का डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आपको कोई ये बुक फॉलो करना चाहिए, वो बुक फॉलो करनी चाहिए। आपको कॉलेज से जो सिलेबस मिला होगा उसमें जरूर लिखा होगा टेक्स्ट बुक कौन सा, रेफरेंस बुक कौन सा आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चाहे आप फॉलो कर सकते हैं या फिर नहीं भी कीजिएगा तो नोट्स होगा उसके आप कर सकते हैं, वो इनफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको केस है कि नहीं मुझे सिर्फ जॉब लेना है, मुझे सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई करना है, तो उस केस में क्या है कि बुक्स इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप चाहे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, बट ये है कि आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है। अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपको बुक्स नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, बुक्स भी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होना चाहिए, थ्योरी वगैरह भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आगे पढ़ाई करना तो बुक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब आप अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे सिर्फ जॉब लेना है, जॉब के लिए मुझे पढ़ना है, तो आप सिर्फ नोट्स कर लीजिए और क्वेश्चन वगैरह कर लीजिए और इंटरव्यू का वक्त तैयारी कीजिए, तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। और भी आगे मैं बताऊंगा कि सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा मैं सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए, इसलिए आपको जुड़े रहना मेरे साथ, ठीक है। तो चारों ईयर जुड़े रहना है, चारों साल तक जुड़े रहना है, जॉब के बाद आप मुझे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, ये नहीं कि आप सोचिए कि अब मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, नहीं, अभी अभी हमारा सफर स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ईयर का मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सेकंड ईयर बताऊंगा, उसके बाद थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। तो आगे मैं चारों साल आपका मेहनत आपको आपके लिए सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ कि आपको जो है सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको थोड़ा लगेगा शुरू शुरू में प्रॉब्लम, हेक्टिक लगेगा कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, बहुत ज्यादा लंबा लंबा क्लासेस चलता है, बट शुरू शुरू में होगा आपको, उसके बाद फिर आप यूज हो जाएंगे और आपको बाद उसको उसको आपको इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है आपको, ठीक है, उसको एंजॉय करना है पढ़ते पढ़ते, ठीक है। ऑनलाइन चल रहा हो तभी उतना नहीं हो रहा हो, ऑफलाइन में आपको इतना नहीं लगेगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह का ये हुआ। अब हम देखिए लैपटॉप का भी प्रॉब्लम आ रहा था कि भैया लैपटॉप लेना जरूरी है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में लूँ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिए लैपटॉप लेना फर्स्ट ईयर में कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर जो मोस्टली लग रहा है मुझे, जैसा मुझे इस कंडीशन लग रहा है, फर्स्ट ईयर तो नहीं हम कर सकते पूरा, बट जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो आपको ऑनलाइन ही खत्म होने का चांसेस ज्यादा, ठीक है, वो देख लेता है क्या कंडीशन रहता है, ठीक है। तो उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज है कि कब क्लास खुलेगा, कब कॉलेज खुलेगा ऑफलाइन, ठीक है। तो बात करते हैं लैपटॉप की, तो देखिए फर्स्ट ईयर में लैपटॉप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेकंड ईयर से आप ले लीजिएगा, ठीक है। किसी भी ब्रांच के बच्चे हैं आप लैपटॉप ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं लैपटॉप की जरूरत पड़ेगा, लैपटॉप या पीसी की जरूरत पड़ेगा, बट पीसी तो आप ले सकते हैं पढ़ाई के लिए, कॉलेज में लेकर जा सकते हैं पीसी, ठीक है। तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांच के हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के हैं, इंफॉर्मेशन साइंस के हैं, तो आपको एक अच्छे प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए। क्या आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं लैपटॉप रिकमेंड करूँ, आपको बताऊंगा कैसे लैपटॉप चाहिए, तो अगर आपको
आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो आपको मेंशन बताइएगा। मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता हूँ, उतना डिस्कस नहीं करना चाहता मैं डिटेल में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि लैपटॉप इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट होता नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में उतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं ही जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उतना प्रॉब्लम नहीं आपको आएगा, आप फोन वगैरह से भी प्रॉब्लम आप अपने कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में पीसी है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, अब अगर आप चाहें तो सेकंड ईयर में लें या फर्स्ट ईयर में लें, बट सेकंड ईयर में आप ले लीजिएगा, सेकंड ईयर तक आते आते आप ले लीजिएगा लैपटॉप, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन सा लैपटॉप मैं सजेस्ट करूँगा आपको, क्या कैसा प्रोसेसर, कैसा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसका, मेरे पास कौन सा लैपटॉप है, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा मेरे लैपटॉप के लेकर और एक लैपटॉप सजेशन वीडियो, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही था, मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया कि आपको आगे कैसे पढ़ाई करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग वैसे वैसे मैं डिस्कस करूंगा आगे क्या करना चाहिए। एक बात और, आपका सेमेस्टर जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है इस बार, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा उस चीज का, डेट्स वगैरह ध्यान दिमाग में रखिएगा, ये नहीं कि भूल जाइए कि डेट्स कब है मेरा सेमेस्टर, ठीक है। आपको बताया गया होगा कब सेमेस्टर, मतलब कॉलेज का जो है मुझे सुनने को मिल रहा है कि मार्च में आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च में आपको फर्स्ट सेमेस्टर होने को चांसेस है, ज्यादातर चांसेस, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्च में आपको फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में लेकर आप पढ़िएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, और इस बार जो है वो थोड़ा जल्दीबाजी में कंप्लीट किया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट जल्दीबाजी में किया जाएगा, ताकि जो ये जो एक ईयर का जो आया है गैप उसको मेंटेन किया जा सके। क्योंकि देखिए सिलेबस जो है वो आपको 4 साल का उसी टाइम में कंप्लीट करना है, ये नहीं कि 1 साल बढ़ जाएगा, नहीं उसी टाइम में कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा वो आपको छुट्टी वगैरह हटा के, हो सकता है कि समर वेकेशन विंटर वेकेशन आपको एक ईयर के लिए नहीं मिले तो उसको हटा के आपको ये कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि थोड़ा आपको स्पीडली पढ़ना पड़ेगा और स्पीडली कवर करना पड़ेगा, कैचअप करना पड़ेगा सब कुछ। और ये टेंशन बात बिल्कुल मत लीजिए कि जो नहीं पढ़ाया जाएगा वो पूछ दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको कॉलेज वाले में बताया होगा कि जो पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर तक वही सिर्फ आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस बात का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो नहीं पढ़ाया जाएगा वो पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटली आप डिपेंडेंट मत रहिएगा कॉलेज के पढ़ाने पे, फैकल्टी पे, ठीक है। आपको खुद अपने से भी पढ़ना होगा, साइड से भी पढ़ना होगा, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया, आपको कैसे शुभारंभ करना चाहिए आगे के कॉलेज के लाइफ को, ठीक है। फर्स्ट ईयर को, फर्स्ट सेमेस्टर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट डे को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे आप इंस्टा मीडियम कर सकते हैं, या फिर मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में था ही, अगर आपको वीडियो सुनिए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और हम बहुत ज्यादा करीब है 1000 सब्सक्राइबर के, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।